आगरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां युवती पर टॉयलेट क्लीनर से अटैक किया गया है। बात करने से मना करने पर यह हमला किया गया है। काफ़ी दिनों से युवती को परेशान कर रहा था सौरभ नामक युवक। दरअसल हम आपको बताते चले, स्कूटर सवार युवती को रोक कर फेंका गया टॉयलेट क्लीनर। सिरफिरे आशिक का सौरभ शर्मा नाम बताया जा रहा है, जो कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने युवती को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा है। ये पूरा मामला थाना सदर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां टॉयलेट क्लीनर से एक युवती के ऊपर अटैक किया गया है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सौरभ शर्मा नामक युवक को गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया है और युवती को आगरा एसएन मेडिकल इलाज के लिए भेजा है। आज थाना सदर क्षेत्र में सुबह एक महिला स्कूटी से अपने काम को जा रही थी, तभी सौरभ शर्मा पुत्र विनोद शर्मा ने उसका रास्ता रोका, उसके बदतमीजी की और अपने स्कूटी में पड़े टॉयलेट क्लीनर को उसके ऊपर फेंका, जिससे वो बाल बाल बच गई। और उस महिला के द्वारा दिए गए तहरीर पर थाना सदर में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।